हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 9 के जैक बोर्ड ने जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है इंग्लिश पेपर का, उनका मैं सलूशन हम लोग सलूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सही हो गया तो 1 नंबर मिलेंगे, अगर गलत हो गया तो 0 नंबर मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आपको बना के आना है। तो चलिए सबसे पहले जो आपके यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कि आपके जो मैंस आदमी जो हैं वो आपके प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है, ठीक है, उस पर आपका निर्भर है, इसलिए उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। जो एनिमल है, एनिमल को हम लोग किल्ड करते हैं किसके लिए, मीट के लिए और स्किन, उसके स्किन के लिए, ठीक है। और अब बोलता है ट्री आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर। और ट्री को हम इसीलिए काटते हैं वुड लकड़ी के लिए और पेपर के लिए कट करते हैं। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। और प्लांट्स हमें क्या मिलता है, मेडिसिन और फूड मिलते हैं। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थाउटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग, नथिंग वर्थ वाइल इन नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टेरिटी। मतलब कि अगर हम लोग इस नेचर को थाउटलेसली अगर इसी तरह से अगर कट करते जाएंगे, बर्बाद करते जाएंगे, तो वी हैव बीन डूइंग, कि तो हम लोग पास कुछ वर्थ धन नहीं बचेंगे नेचर का, और जो पोस्टेरिटी के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए। आगे बोलता है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारी कंट्री, मेनी कंट्री जो हो गए, क्या हो गए, प्रोटेक्टिव लॉ लेके आए, ऑर्डर लेके आ गए सेफ गार्ड विड लाइफ का। अब बोलता है क्या, देर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स। वो अभी हमारे यहाँ जो देश में, पूरा जो वर्ल्ड में है, वो आपके 1200 नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं और सिमिलर प्रोटेक्टेड एरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर डैट रेयर विल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जहाँ पे वो क्या, विल्ड एनिमल जो है और आपके ट्री जो है, उन्हें क्या कर सकता है, बचाया जा सकता है, सेफ में रखा जा सकता है। अब होता है वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोरस। कि एक एनिमल जो हमारे खत्म विलुप्त हो चुके हैं वो क्या है, डायनासोरस है। द रीज़न फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन। कि रीज़न क्या हुआ उन्हें खत्म, उन्हें विलुप्त होने का, वो रीज़न अभी तक जाना नहीं गया है। हाउएवर पीपल गेस डैट दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। पीपल खाली सिर्फ गेस कर रहे हैं कि ये जो हुआ होगा एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण हुआ होगा। द डायनासोरस could not adapt themselves to the new environment and as a result perished। कि डायनासोर जो होंगे, इन्वायरमेंट जो न्यू इन्वायरमेंट आया उसे अडेप्ट नहीं कर पाया और क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गए। तो दिस पैसेज इज अबाउट, इस पैसेज किसके अबाउट है, हाउ टू सेफ गार्ड विल्ड लाइफ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर आपके बोलता है मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल एंड प्लांट्स फॉर, किसके लिए, मीट के लिए भी है, वुड के लिए है, मेडिसिन, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे सर, टू का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। तो क्या स्टेप या कंट्रीज के लिए लिया गया सेफ गार्ड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को सेव करने के लिए क्या स्टेप लिया गया। दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉ, दे हैव मेड नेशनल पार्क, दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ऑल ऑफ दी वेव। क्या हो जाएगा, आपके ऑल ऑफ दी एबव, चारों, ये तीनों स्टेप लिया गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट इज, कौन एनिमल विलुप्त हो गए, एक ग्रुप ऑफ एनिमल क्या हो गया, विलुप्त हो गया, वो एनिमल का नाम क्या है, डायनासोरस है, क्या डायनासोरस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, फोर का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस, चेंज इन एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एनवायरनमेंट के चेंज के कारण क्या हो गया, डायनासोरस का रीजन जो है वो आपका एक्सटिंक्ट विलुप्त होने का रीजन है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन का दूसरा मीनिंग, आपका सेम मीनिंग क्या होता है, एक्सटिंक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब विलुप्त होना, खत्म होना, डिस्ट्रक्ट बर्बाद होना, इसी तरह एक्सटिंक्शन भी क्या होता है, खत्म होना, विलुप्त होना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्स का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है मैंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स
कैन नॉट बी इग्नोर्ड द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। प्रीपोजिशन क्या दिया हुआ है वो बताना है, क्या है, किस पे, ऑन है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सेवन का, सेवन का बी हो जाएगा ऑन। ऑन जो है सर आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द एंटोनाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एनोनाइम्स, एनोनाइम्स मतलब कि उसका अपोजिट क्या होगा, एग्जिस्टेंस का अपोजिट वर्ड क्या होगा ये बताना है। पेरिस्ट क्या हो जाएगा, पेरिस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एट का ऑप्शन बी हो जाएंगे। एग्जिस्ट मतलब हो रहा कि आपका अस्तित्व है, और पेरिस्ट मतलब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, तो इसके एनोनाइम्स क्या हो जाएंगे, पेरिस्ट हो जाएंगे, एट का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चूज दी करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन दिस क्वेश्चंस 9 to 14। 9 से 14 कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। टू किसके लेटर लिख रहे हैं, हेडमास्टर पास, क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर, क्या हो जाएंगे, द हेडमास्टर। सब्जेक्ट यहाँ पे डेट, एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई एम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको भरना है आई एम 10 ईयर, ठीक है, 10 डेज फ्रॉम फीवर। आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम अ स्कूल फॉर 2 डेज। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। आई शैल बी हाईली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 12 नंबर, क्या भराएगा, और ऑब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेडमास्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। कैपिटल लेटर लिखाता है टी, फिर एच स्मॉल, फिर ई, द हेडमास्टर, एच कैपिटल होगा, एच ई ए डी एम ए एस टी ई आर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर में आई बेग टू से डैट आई एम क्या हो जाएगा आपका, 10 नंबर, 10 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम देयर फॉर कंपेल्ड डैट टू अब्सेंट, क्या हो जाएगा, 11 नंबर, आई शैल हाईली क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 का जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑब्लिक्ड, आई शैल बी हाईली ऑब्लिक टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्या हो जाएगा, ऑब्लिक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोलता है क्या, ओबीडियंट क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपके, और ओबीडियंटली क्या हो जाएगा, ओबीडियंटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू दी हेडमास्टर जी बी एस एस सिल्ली 1 सितंबर 2023, एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम अ स्कूल फॉर 2 डेज। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओबीडियंटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 नंबर का, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओबीडियंटली हो जाएंगे सर, तो ओबीडियंटली हो जाएगा। अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर थर्टीन वो चूज दी करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्या बोलता है, माई ग्रैंड मदर डेस मी अ स्टोरीज लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरीज लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा, आपके पास्ट टेंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज, क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, समवन हैज स्टोलन माई बुक क्या हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाई क्या हो जाएगा, स्टोलन, क्या हो जाएगा आपके, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा माई बुक हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन ए हो जाएगा सर पेसिव वॉइस का। अब आता है क्या, आप क्वेश्चन नंबर 15, रमन डेस ए लेटर व्हेन आई एंटर हिज रूम, कि रमन क्या कर रहा था, रमन जब हम उसका रूम में एंटर किए तो रमन क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था, क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था। 15 क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, जब मैं इसका रूम, क्या है, पास्ट टेंस है ना, तो वाज राइटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग, क्या हो जाएगा, रमन वाज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई एंटर हिज रूम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि आप, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर डेस द एम्प्टी कैंप, क्या ये बहुत डेंजरस है या बहुत डेंजरस है, खतरनाक है एम्प्टी कैंप में घुसना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 16 का जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, बी, इनटू द एम्प्टी कैंप, इसके अंदर जा रहे हैं ना इसलिए इनटू हो जाएगा, इट इज़ वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द एम्प्टी एनिमी कैंप।
सॉरी एनेमिज के, ठीक है, एनेमिज के में एंटर करना बहुत खतरनाक है। क्या जगह इनटू अंदर जा रहे ना आप, क्या होता है क्या द मैन रोब्ड, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, द मैन रोब्ड मी दिस माई पोसेशंस, क्या ऑफ माई, क्या जाएगा द मैन रोब्ड मी ऑफ माई पोसेशन, क्या जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा आपके 18 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर, द टीचर टोल्ड, क्या टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा नरेशन आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, क्या बोला कि ए ही सेड टू मी वह मुझसे कहा सेड टू मी आई एम राइटिंग, वह क्या कर रहा है एक लेटर लिख रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी वह मुझसे बोला क्या दैट ही वॉज क्या कर रहा था एक लेटर लिख रहा था, क्या हो जाता है ये पास्ट कर, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ही वॉज राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या, डेस यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग, आप बताओ क्यों आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो ये बताओ, क्या हो जाएगा कैन यू टेल मी, क्या आप कह सकते हैं क्यों आप रो रहे हो, कैन यू टेल मी, क्या हो जाएगा ऑप्शन कैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है क्या, पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 का ऑप्शन क्या जो सॉरी क्या प्लेइंग है सॉरी प्लेइंग है ना तो इज बीइंग होगा, इज बीइंग क्या हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीइंग प्लेड हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, बेबीज डेस वेन दे आर हंग्री, बेबीज क्या हो जाएगा बेबीज क्राई वेन दे आर हंग्री, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 22 का क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेबीज क्राई बेबी कब चिल्लाते जब वो भूखे होते हैं तो तभी वो चिल्लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू एंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन, एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर दी डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, तो ये आपके पोएम से लिया गया है, ठीक है तो ये आपका क्या है 23 का क्वेश्चन का आंसर देना है, जवाब देना है, द गिवन लाइंस आर फ्रॉम द पोएम, तो ये पोएम किस पोएम से लिया गया है, ए लाइन किस पोएम से लिया गया है तो आपको बताना है किस पोएम से लिया गया है आपके, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, किससे लिया गया है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोलता है क्या, दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ए लाइन किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, तो ये आपके लाइन जो लिखे गए हैं वो फोबिक केरी के द्वारा लिखा गया है, कौन फोबिक केरी, क्या जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, हु इज हर इन द थर्ड लाइन, हर कौन है यहाँ पे जो लिखा गया है तो हर यहाँ पे कौन है, तो कौन है ओल्ड लेडी है, कौन है एन ओल्ड लेडी, क्या हो जाएगा ओल्ड लेडी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। अब आते हैं क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, आप बोलता है क्या मर्गी वाज दिस ईयर ओल्ड, मर्गी कितनी साल की थी, मर्गी जो थी कितना साल की थी आपके ऑप्शन 11 साल की थी, कितना साल की थी 11 साल का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन
27 बोलता है हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कौन सीखे थे माइंड और बॉडी को साउंड और वाइब्रेट करने के लिए, ओपन किए थे माइंड और साउंड वाइब्रेट करने के लिए, कौन किए थे? 27 का क्या हो जाएगा? एवलिन गेलेनी क्या हो जाएगा? एवलिन गेलेनी किए थे, क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है क्या, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वाज, कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था एम्परर औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। क्या हो जाएगा आपके? पंगी, जो पंगी था वो बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा बंद कर दिया गया था। किसको? पंगी को, पनगी। ठीक है, अब आता क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आज ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, कौन सडन डिमांड जो था वो इरप्टेड हो गया था वो 29 का, तो क्या हो जाएगा आपके? टैमरिंड सीड। कौन सीड? टैमरिंड सीड जो था वो आपके कम पड़ गए थे, वो सडन डिमांड इरप्टेड हो गया था। किसमें? कहाँ पे? मार्केट में। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर 30, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, जो पोएम विंड है वो किसके द्वारा कंपोज्ड, किसके द्वारा लिखा गया था? 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का क्या हो जाएगा? ये सुब्रमण्य भारती के द्वारा क्या ये पोएम कंपोज किया गया था? कौन पोएम? विंड पोएम। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या, 31 बोलता है क्या, जेनुलाब्दीन वाज कलाम्स क्या था? जेनुलाब्दीन जो थे वो कलाम्स के कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कौन थे आपके? कौन थे फादर थे जेनुलाब्दीन जो थे आपका कलाम्स के कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, कौन आपके जो थी वुमेन थी वो आपकी दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, दो बार चढ़ी थी वो कौन थी? कौन थी आपका? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव थी। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, 33 बोलता है, 33 बोलता है क्या, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, जो आपकी लिटिल गर्ल थी छोटी लड़की थी उनका नाम क्या था? केजिया। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, जो चाइल्ड थी वो फेयर मेला गई किसके साथ, किसके साथ मेला गई थी? पेरेंट्स के साथ। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हु वुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनी एनेक्डोट्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइस, क्या हो जाएगा आपका, आपका 35 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, आइस वार रेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, कि फ्रॉम होम हैड दी ग्रैंड फादर बाउट टोटो, किसके लिए टोटो लेके आए थे? ठीक है, किसके लिए बाउट खरीद के टोटो लेके आए थे, किसके लिए खरीद के आए थे? तो किसके लिए खरीद के आए थे? टोंगा ड्राइवर के लिए। फ्रॉम होम हैड दी ग्रैंड फादर बाउट टोटो, टोंगा ड्राइवर के लिए लेके आए थे। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, हु ग्रेव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल के लिए, स्ट्रीट का साइड स्ट्रीट के लिए फैट लाइक कौन ग्रीव किया था, कौन बड़े थे? क्या हो जाएगा? डिसिपल बड़े थे। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोलते हैं 38, द स्टेचू ऑफ दी हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, जो स्टेचू था हैप्पी प्रिंस का वो किससे कवर्ड किया हुआ था? स्टेचू जो था किससे द्वारा कवर किया गया था? गोल्ड के द्वारा, सोना से कवर था। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाट वाज बेयर मान ड्रीम्स,
आपके बेयरमैन जो थे वो क्या स्वप्न था उनका, क्या स्वप्न था, तो ये टू पेंट ए मास्टरपीस, उन्हें एक मास्टरपीस पेंट करना था, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप बताए एरासामा इज ए स्मॉल टाउन इन, एरासामा एक स्मॉल टाउन था, कहाँ पे था, कहाँ पे था, ओ उड़ीसा में था, कहाँ, एरासामा इज ए स्मॉल टाउन इन उड़ीसा, कहाँ है, उड़ीसा में है, क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लास नाइन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश का सेट का देख चुके हैं। ये अगर आपको, ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनसे उनका भी नंबर अच्छा आ जाए। धन्यवाद।